Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shresham School. Today we are going to start a new chapter of class 5th mathematics. The chapter is Roman numbers. Third chapter hai hamara Roman number. Is chapter mein hum Roman numbers ke bare mein padhne wale hain. Aapne pehle bhi padha hoga Roman numerals ko hum kaise likhte hain, like 1, 2, 3 kis tarike se likhte hain, basic level pe aapne padh rakha hoga. Isme hum bade Roman numbers, bade numbers ko kaise Roman numerals mein likhte hain, ye padhne wale. To jo basic, dekhiye 7 basic numerals which are Roman, dekhiye jo basic numeral hain jo Roman mein aate hain wo dekhiye kya kya hain. Ye dekhiye, ye Roman hai aur ye uska Hindu Arabic mein uska matlab hai. Jaise 1 hai, ये देखिए 1 को इस तरीके से लिखते हैं हम, एक ऐसी लाइन सी बनाते हैं. उसके बाद 5, 10 के लिए हम x यूज करते हैं, 50 के लिए हम l यूज करते हैं, 100 के लिए c, 500 के लिए d एंड 1000 के लिए m. तो यही सारे बार बार यूज होके क्या होते हैं, बाकी सारे रोमन के न्यूमरल्स बनते हैं. तो आइए हम सबसे पहले रूल्स देखते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स की क्या क्या रूल्स हैं जो रोमन नंबर्स को लिखने में हमें ध्यान में रखने चाहिए. तो पहला रूल देखिए क्या कहता है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड आफ्टर द ग्रेटर वन, जब एक छोटा न्यूमरल बड़े न्यूमरल के बाद आएगा. देखिए छोटा नंबर बड़े के बाद आएगा तो हमें क्या करना है, वी ऐड द वैल्यूज ऑफ ऑल द डिजिट्स कमिंग वन आफ्टर अदर. देखिए अगर छोटा नंबर पहले आता है और बड़ा नंबर बाद में आता है, स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड आफ्टर द ग्रेटर वन. देखिए मींस क्या है, अगर देखिए ये वाला जो नंबर होगा, सपोज कि ये वाला नंबर, इसके बाद जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे. इधर जो सबसे पहले जो नंबर होगा लेफ्ट साइड में वो सबसे बड़ा होना चाहिए. इसके बाद जो होंगे वो सारे नंबर अगर छोटे हैं तो इन सब की वैल्यूज को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे. तो देखिए ये हमारा सी है. सी क्या है, सबसे बड़ा है इन सब में से, क्योंकि सी का मतलब क्या होता है, 100. यहाँ पे देखिए हमने देखा था सी का मतलब 100 होता है, एक्स 10 होता है, वी 5 होता है और ये 1 होता है. तो क्या करेंगे, हम इन सब की वैल्यूज ऐड कर देंगे. तो सी हमारा 100 था, 10, 5 और ये 1, इन सबको ऐड करके तो इसका जो मतलब है वो क्या है, 116 है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एम डी एल एक्स एक्स. M क्या होता है हमारा, 1000. ये देखिए जो D है ये M से छोटा है, L भी M से छोटा है, तो ये सारे क्या है आपस में, ये जो M सबसे बड़ा है इन सब में से, ऐसे ही ये XXL D से छोटे हैं, ये XXL से छोटे हैं. तो इस तरीके से अब हम इसका भी लिखेंगे. देखिए M 1000, D 500, L 50, X 10 एंड X 10. फिर हमने इन सबको फिर से ऐड कर दिया तो हमारा 1570 आ गया. रूल नंबर टू, दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स बट वी एल एंड डी नेवर रिपीट्स. एक सिंबल है, देखिए जो सिंबल्स हैं हमारे पास आई वी एक्स एल सी डी एम, ये सारे सिंबल्स ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा बार ये रिपीट नहीं होंगे. और वी एल और डी ये तो कभी भी रिपीट नहीं होगा. जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास ये जो है ये कोई नंबर नहीं बना है, अगर हम ये भी कोई नंबर नहीं बनेगा, एल एल भी कोई नंबर नहीं बनेगा, तो ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होंगे. देखिए जो बाकी रिपीट होंगे, ये 3 बन गया, ये 30 बन गया, ये 300 बन गहा, ये 3000 बन गया. क्यों, क्योंकि जहाँ हम इनकी वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे. जैसे सी 100 है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000. इस तरीके से ये हमारा दूसरा रूल था. नेक्स्ट देखिए हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, When symbols repeats, it means their value should be added. देखिए जैसे हमने इसमें मैंने बताया था ना आपको कि इसको ऐड करना है, तो इसका यही मतलब है कि जब सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं तो उसका मतलब है उसकी वैल्यूज को ऐड करना है हमें. उसकी वैल्यूज क्या हो रही है, ऐड हो रही है. जैसे देखिए इसमें देखिए ये दो सिंबल रिपीट हो रहे हैं, एक्स की वैल्यू 10 एंड 11, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे. ऐसे ही इसमें सी, फिर ये सारे ऐड हो जाएंगे. तो सिंबल जब रिपीट होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होती है उनकी वैल्यूज की. आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं हम. तो रूल फोर क्या कहता है, इफ अ स्मॉलर नंबर, अगर कोई छोटा नंबर कम्स बिफोर लार्जर, बड़े नंबर से पहले आ जाता है. अब देखिए क्या हो रहा है, छोटा नंबर पहले, फर्स्ट रूल में क्या था, बड़े नंबर के बाद आ रहा था, अब पहले आ जाता है. वी सब्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एडिंग,
तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल उस फर्स्ट वाले रूल के बिल्कुल अपोजिट। फर्स्ट वाले रूल में क्या था कि जब बड़ा नंबर पहले आ रहा था उसके बाद छोटे नंबर आ रहे थे तो हम ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बड़ा नंबर बाद में है, छोटा नंबर पहले है, तो हम इसमें माइनस करेंगे। देखिए जैसे हम इसकी बात करूं तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 1 है, तो छोटा नंबर पहले आ रहा है तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 5 - 1, तो ये क्या बन गया 4। ऐसे ही एक्सएल हमारा एल 50 होता है, 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 40। एक्ससी 100 होता है, 100 में से 10 माइनस कर देंगे 90। तो फोर्थ रूल क्लियर हो गया आपको। देखिए फिफ्थ रूल देखिए, अनदर रूल इज दैट दिस वन कैन बी टेकन फ्रॉम 5 and x ओनली। इसका मतलब देखिए क्या है, जो ये 1 है वो सिर्फ 5 और x 10 के साथ ही क्या हो सकता है, उसी में से निकाला जा सकता है। देखिए अनदर रूल इज दैट वन कैन बी टेकन फ्रॉम 5 and x ओनली, x कैन बी टेकन फ्रॉम l and c ओनली, x सिर्फ l और c से ही लिया जा सकता है और c सिर्फ d और m से ही लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए 1 है वो 5 और x से ही माइनस होगा, x है वो l और c से ही माइनस होगा, c जो है वो d और m से ही माइनस होगा। देखिए इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये देखिए एग्जांपल हमारे पास lx, इसमें देखिए x क्या है, l से छोटा है, तो l में से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x देखिए किस किस में से जा रहा था, l में से और c में से, तो l में से ये माइनस हो गया। अब ये देखिए ये क्या है ix9, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो 1 हमारा किस में से माइनस हो रहा था, 5 और 10 में से, तो इस तरीके से ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस करके देखिए 50 में से 10 गया 40 और 10 में से 1 गया 9, तो 49 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली इसमें देख सकते हैं हम, ये हमारा 1000 है और ये हमारा 100 है, तो इन दोनों में माइनस होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, फिर अगेन 100 है हमारा और ये हमारा 10 है, तो 100 में से ये माइनस होगा और ये हमारा 4 है, मतलब 1 है और ये 5 है, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा। इस तरीके से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस किया 900, इसमें से माइनस किया 90, इसमें से माइनस किया 4, इन तीनों को ऐड कर दिया 994। तो ये था हमारा फिफ्थ रूल। ये हमारा लास्ट रूल है। देखिए इस रूल, ये रूल क्या कहता है, देयर कैन बी ओनली अ सिंगल स्मॉलर डिजिट बिटवीन टू लार्जर नंबर्स। देखिए क्या मतलब है, सिर्फ देयर कैन बी ओनली सिंगल स्मॉलर डिजिट बिटवीन टू लार्जर नंबर्स, दो बड़े नंबरों के बीच में सिर्फ एक ही छोटा नंबर हो सकता है, एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू, और उसे सबसे बड़ी वैल्यू से माइनस किया जाएगा लेफ्ट साइड से। देखिए इसका मतलब क्या है कि दो बड़े नंबर्स के बीच में एक ही छोटा नंबर हो सकता है और उसको लार्जर वैल्यू, राइट साइड में जो लार्जर वैल्यू होगी उससे माइनस करना होगा। एग्जाम्पल से देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें। जैसे cix है, ठीक है, तो c हमारा क्या होता है 100, तो ये हमारा 100 हो गया। देखिए अब इसमें तो कोई नहीं था क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसके बाद जो छोटा नंबर है, तो हम इसको तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, लेकिन ये देखिए इस, ये जो है ये 10 है, ये जो है सबसे राइट साइड में जो वैल्यू है वो क्या है, इस राइट साइड में वैल्यू जो है वो बीच वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिए इसका कहने का मतलब क्या था कि दो बड़ी वैल्यूज के बीच में एक छोटी वैल्यू हो सकती है और इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो सी हमारा 100 था, ये हमारा 10 है, 10 में से 1 माइनस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 109। इसमें देखिए इन दोनों के बीच में ये नंबर छोटा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे हम, तो ये हमारे पास आंसर 590 आ जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि किस तरीके से लिखते हैं हम रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में और हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल्स में। जैसे देखिए ये हमारे पास हिंदू अरेबिक में 250 दिया हुआ है, 250 को कैसे लिखना है, तो 250 देखिए सबसे पहले तो 200 क्या हो जाएगा, 200 लिखने के लिए हम दो बार cc लिखेंगे, 100 प्लस 100 200 और 50 क्या है l, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 900 है, तो 900 देखिए 900 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, तो 9 टाइम्स c तो नहीं लिख सकते, लेकिन 1000 का क्या होता है m होता है, और 1000 से हमें एक c माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 313 है, तो पहले हम 300 लिखेंगे, 300 लिखने के बाद 13 क्या है हमारा xii, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। 320 को भी अगेन वही 3 टाइम्स c और 20 के लिए xx, तो इस तरीके से हम हिंदू अरेबिक को न्यूमरल रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हिंदू अरेबिक को
सॉरी हिंदू अरबिक में लिखना है, रोमन में दिया हुआ है, हिंदू अरबिक में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लिख सकते हैं इसको। देखिए m क्या होता है हमारा, m होता है हमारे पास 1000, तो m को हमने लिख लिया 1000। d क्या होता है हमारा 500, c क्या होता है हमारा 100, l क्या होता है 50। तो इन सबको प्लस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए नेक्स्ट है हमारा सी डी एक्स एक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए सी डी, तो सी डी में से हमारा डी बड़ा होता है 500 और ये सी हमारा छोटा होता है, तो हम फिर से वही माइनस वाली ट्रिक अपनाएंगे, उसका रूल। डी क्या होता है 500 और सी क्या होता है 100, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस ये क्या एक्सेस 20। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 10 + 10, 20 नहीं लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और है सी सी आई वी, सी सी हमारा 100 100 और आई वी मतलब 4, आई वी मतलब 4 हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको भी हम 5 - 1 करके लिखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 204। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी आपको, जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि हिंदू अरेबिक को कैसे रोमन में चेंज करना है और रोमन को कैसे हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं ये पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।